नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान मार्केट टाइम्स टीवी के लिए। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के थोक मंडी में और हम जानते हैं, हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं नफीस जी, इनसे मालूम करते हैं प्याज को लेकर क्या भाव चल रहा है और कभी वर्तमान में प्याज के क्या भाव हैं, और साथ ही इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नासिक की जो मंडी है जहाँ हड़ताल चल रही है उससे और लेकर प्याज के दामों में क्या फ़र्क पड़ेगा। जी, हम सबसे पहले नफीस जी, आपका स्वागत है हमारी मार्केट टाइम्स टीवी में। जी बताएं सर, अभी क्या चल रहा है प्याज का भाव? अभी फ़िलहाल हमारे कोटा मंडी में 10 से 15 16 रुपए के बाजार हैं। जो हमारे यहाँ के लोकल माल आते हैं आसपास के एमपी के किसानों के, वो 15 से 16 रुपए बिक रही है। नासिक की जो प्याज आती है वो 17 18, और ज़्यादा बढ़िया माल आ जाए तो 18 रुपए बिकते हैं। और मज़दूरों ने, जो नासिक में किसानों ने हड़ताल की हुई है जैसा कि पता चल रहा है, खबरों में देखने को मिल रहा है, उससे कोई खासा असर देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ के अब लोकल माल चालू हो चुके हैं। जो लोकल किसान आते हैं आसपास 100-150 किलोमीटर एमपी बॉर्डर से जुड़े हुए, उनके आने से कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा प्याज की, अगर हड़ताल भी होगी तो। फिलहाल ये है अभी तो जी। नासिक मंडी से मतलब प्याज की आवक कम होती है क्या? अब हमारे यहाँ का लोकल माल आना चालू हो चुका है ना, तो इसलिए नासिक के आने वाले माल से कोई फ़र्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। रुपए, 1-2 रुपए कहीं अगर हो जाए 19-20 तो कह नहीं सकते, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, बाज़ार बढ़ने की कोई संभावना नहीं है फिलहाल। नफीस जी, जैसा बता रहे हैं कि नासिक की मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई है, मतलब कुछ भरोसा नहीं कब तक मंडी खुलेगी, तो उसको लेकर बताएं। उसको लेकर हमारे कोटा में तो नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में कहीं फ़र्क पड़े, इंडिया बहुत बड़ा है क्योंकि, और ज़्यादातर सिटीज़ में, ज़्यादातर बड़े शहरों में जो सप्लाई होती है वो नासिक से ही होती है। लेकिन हमारे यहाँ फ़र्क देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ किसानों के आसपास के किसानों के लोकल जो माल है उसकी आमदनी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा फ़र्क हमारे कोटा में देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि व्यापारी नफीस जी ने बताया कि नासिक की मंडी में जो हड़ताल चल रही है उससे कोटा की मंडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्याज के जो दाम हैं अभी जो हैं 15 के आसपास ही चल रहे हैं, तो जो है इससे मतलब कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार्केट्स टीवी टाइम्स के लिए कोटा से आसिफ खान।